गुड मॉर्निंग एवरीवन और वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और अभी टाइम आप लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये घड़ी ख़राब है। तो सुबह के 7:44 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 44 बजे 44 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है मेकअप रूम के अंदर। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, सो अब वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं सारे। तो आज मैं आई हूँ ए प्लस पर इनके मॉर्निंग शो में और मैं कंटिन्यूसली अभी पूरा वीक आने वाली हूँ यहाँ पर। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई अच्छा से एक, जब भी कोई ब्लॉग मैं अपलोड करूँ अगर इसका ए प्लस का, तो बहुत अच्छा सा होना चाहिए वो। सो आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, आप लोगों की मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है और लोग ब्रेकफास्ट में क्या होता है, वो सब कुछ आपने शेयर करना है। और मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरी मॉर्निंग कैसी होती है और मैं क्या खाती हूँ सुबह। वैसे मैं बोलते ना ब्रेकफास्ट लवर नहीं हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो नहीं खाती। लेकिन आप लोगों ने बताना है कि आप लोग में से कौन कौन है जो ब्रेकफास्ट लवर है, जो नाश्ता किए बिना कहीं नहीं जाता या जाती। सो वो रूटीन आप लोगों ने भी अपनी शेयर करनी है, मैं भी अपनी रूटीन शेयर करूँगी। और उसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जब एम एस साहब के जो मोटो ब्लॉग हैं उनको भी इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। और मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश जब भी करती हूँ उसको भी थोड़ा बहुत आप लोग पसंद करते हो। तो अभी मैंने फेस पे बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सारी इस तरह चीज़ें बस सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और निकल आई हूँ घर से। तो आई होप कि आज का ब्लॉग बहुत अच्छा हो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाया करें, ताकि हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम लोग ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग हमें अपना प्यार जो है वो दिखाएंगे। सो मैं मेकअप रूम में थी, मैंने कहा क्यों ना आपको चीज़ें दिखा दूँ मेकअप की, क्या क्या है यहाँ पर आए देखते। यहाँ पर मेकअप की वैसलीन पड़ी हुई है, ब्रेसलेट्स पड़ी हुई, टीवी स्टिक्स पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे ब्रश रखे हुए हैं इन्होंने और साथ ही आगे स्प्रे पड़े हुए हैं, सारे हेयर वाला सेक्शन है। और यहाँ पे लाइट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, अभी तो सारी ऑन नहीं की हैं, थोड़ी सी मैंने ऑन की हैं। और ये देखें क्या नाम, थ्रेड के लिए और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं यहाँ पर। मतलब कि अगर आप ऑब्वियसली सारे लोग जो हैं क्या नाम है अपना मेकअप नहीं रखती, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ तो वो उनको ये लोग मेकअप लगाते हैं। तो कोशिश करें कि जो लोग इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, वो मेकअप जो है वो अपना लेके जाया करें, कहीं पर भी जाने से पहले मेकअप जो है वो अपना यूज़ करना चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया तो मैंने कहा मैं आपको पब्लिक न्यूज़ का थोड़ा सा ऑफिस का ही चक्कर लगवा लूँ, जब तक कोई आता है। जो आई भी हैं मॉडल्स वगैरह वो सारी उधर हैं, ये देखिए इनका ऑफिस, और एक ये भाई हैं यहाँ पर, एक मैं हूँ बस सुबह के टाइम। तो यहाँ पे बैठ के लोग सारे काम पर रखे होते हैं, जब से इनके मेकअप रूम में जाते हैं तो मैंने आपको दिखाई दी है। और यहाँ पर हेयर की ट्रॉली थी, इसमें क्या नाम है ब्लो ड्राई ब्रशेस वगैरह रखे होते हैं, मैंने कहा वो भी दिखाऊँ आपको, वार्डरोब थी वो भी दिखाई। और इसके साथ ही ये बच्चा आया मेरा बैग लेके जा रहा है अब स्टूडियो, तो चलें अब आपको दिखाते हैं स्टूडियो। आप यकीन करें हमने दो दिन हमारी छुट्टी है और आगे हम सर इस सेट को तैयार कर रहे हैं। देखिए ये शख्स है सेट लगाने वाला और ये देखिए ये सेट है आज का, और ये इन्होंने आज हमारा मेकअप करना है। रोज हमारे साथ है, हाय रोज। और सो बहुत ही खूबसूरत सा सेट है आज इन्होंने लगाया है। अब तब लाइट्स ऑन नहीं थी इसलिए मैं आप लोगों को सही दिखा नहीं सकी। और अभी आप लोग कह रहे होंगे मैं कैमरा में क्यों नहीं आ रही, मैं इसलिए कैमरा में नहीं आ रही क्योंकि अभी मैंने मेकअप नहीं किया और मैं मेकअप के बगैर आज काफ़ी आप लोगों को नज़र आई हूँ। सो ये देखें और फिर इंशाल्लाह फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जो है वो हो चुका है डन और मैं थोड़ी सी ऊँची आवाज़ से बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है।
और अभी किसी का हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, और ये देखिए ये स्ट्रेचर मुझे लगेगी और फिर मेरे बाल थोड़े और लंबे हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए सब कुछ कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप किया है। ये अरूज सैलून है, उन लोगों से ये सारे लोग हैं तो उन्होंने मेकअप बहुत अच्छा किया है। आई एम लविंग इट, टोटली लविंग इट। अब देखती हूँ हेयर डू मेरा कैसा होता है। वैसे मैंने उनको पिक्चर तो दिखा दी है रेफरेंस इस तरह का बनाना है, लेट्स सी ये वैसा बनता है कि नहीं बनता। और आप लोगों ने अगर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ जो है मेरी देखनी है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक दो और चीज़ें जो हैं बिहाइंड द सीन बहुत खास चीज़ें वो आपको दिखाती हूँ। तो आज शो का जो टॉपिक है वो है ढोलकी, और ढोलकी की वजह से ये जो सेट है ये इस तरह का हमने लगवाया। तो सीन इस तरह का है कि मैं एक तो माइक जो है वो मैं नहीं लेकर आती साथ, क्योंकि मैं चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं तो कोई ना कोई चीज़ मैं कहीं ना कहीं रख कर भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं जब बोलना स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक ना पहुँचे। तो अब मेरे होने वाले हैं हेयर, और हेयर करने से पहले ये जो है इन्होंने पहले मेरे बाल कर दिए ऊपर डाई, पहले करेंगे क्रंच। क्रंच करने के बाद आशा नाम है आपका, सपना जी ये आपके सपनों पर भी आएगी ये खूबसूरत लड़की। तो ये अगर मेरे बाल अच्छे से बनाएगी तो ऑब्वियसली मेरे सपनों में भी आती रहेगी और मैं इसको याद करती रहूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा से ये होता है कि मेरे बाल जो है वो अच्छे बने हूँ और मेकअप जैसा भी हो। लेकिन लकीली आज मेकअप भी अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह बाल भी अच्छे बनेंगे। आई होप फॉर बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं सपना क्या अपना मैजिक दिखाती है मेरे बालों पे। तो सपना आज हम क्या कौन सी लुक देने वाली हो आप मुझे? हाँ लोड रहे, अच्छा लोड रहे लोग बहुत ही वॉल्यूम वाले मेड ये वाले आप बैकोमिन के लिए बाल निकाल रहे हैं। ये देखें ये ऊपर के बाल, और बाद में खोलते हुए मुझे घर जाकर पता चलेगा। अभी तो मुझे मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा सा हेयर ग्रो करवाना है। और ये इन्होंने बंद कर दिए क्योंकि पिछले जो बाल पहले कल्स करेंगे उसके बाद ये जो मेरे बाल हैं वो बैकोमिन करेंगी। बैकोमिन करवाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। खान साहब हमारे साथ हैं और ये लड़कियों को नंबर दे रहे हैं। देखें मैंने पकड़ लिया इनको, नंबर देते हुए हमारे कोलीग हैं ना, हमारे कोलीग हैं। वैसे मैं मजाक कर रही थी, और खान साहब आपने
आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग सुनाया है सीरियसली। सॉन्ग का वो जो है लिंक वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप लोगों ने जाकर इनका सॉन्ग जरूर सुनना है। थैंक यू वेरी मच, और आपकी वजह से सॉन्ग अच्छा हुआ। थैंक यू वेरी मच। और वो फूल जो आप फेंक रहे थे वो कहाँ गिरा आपका फूल? वो फूल हमने इकट्ठे फेंके हैं, पता नहीं कहाँ गए, इसीलिए भी चले गए। थैंक यू वेरी मच। आमनन जी, आप तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जो बर्गर की बर्गर के अंदर चिकन। ये हमारी खूबसूरत सी डिजाइनर आमनन अज़मल, जो आपने मेरा खूबसूरत आउटफिट देखा वो इनका था। हमेशा इतने खूबसूरत कपड़े हमें पहनाती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ग्रेट अमेजिंग डिजाइनर। आपके सबसे पहले तो आपके जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा हमेशा की तरह एक ही एम है कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूँ और उनके चेहरे पे जो है वो खुशी भी दे सकती हूँ। तो मैं वो काम करता हूँ और अपनी फुल एनर्जी से करता हूँ जो लोगों को पसंद आता है, और यह आपका बड़ापन है कि आपने मुझे इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया। और जितने भी सब्सक्राइबर है, जब भी काम करते हैं मैंने कहा बहुत ही एनर्जेटिक तो हैं ही हैं, पर बहुत पॉजिटिव इंसान है। तो थैंक यू सो मच अहमद, अभी सलामत रहे इंशाल्लाह। अब तो पूरा वीक हम लोग इकट्ठे हैं इंशाल्लाह, और बहुत मजा आने वाला है, जरूर देखते रहिएगा शो। सो गाइस, आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।